जैसे तैसे उल्टे सोधे गृह कारज बिसराए, जैसे तैसे उल्टे सोधे गृह कारज निपटाए, जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाए, कहते तैसे उल्टे सोधे गृह कारज निपटाए, उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया, उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया, बंसी बट को आई, हा हा बंसी बट को आई, हा हा बंसी बट को आई, मधुबन में मधुबन में मधुबन में धूम मचाई है, क्या जो भोजन बना रही थी पता उल्टा पुल्टा काम किया क्या? खीर में नौन दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई, खीर में नौन दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई, खीर में नौन नौन इतने मिठू, खीर में मिठू ना थी, दाल में शक्कर ना थी, दियो खीर में नौन दाल में शक्कर माखन में मिर्चाई, खीर में नौन दाल में शक्कर माखन में मिर्चाई, गौ को साग ससुर को भूसा, गौ को साग ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराई, हा हा ऐसी मति बोराई, हा हा ऐसी मति बोराई, मधुबन में धूम मचाई हो, लेकिन श्रृंगार भी उल्टा पुल्टा कर दिया, पता है क्या किया? हाथ वाला कंगन पैर में पहना और पैर वाला पायल हाथ में पहन लिया, मुंह की लाली आंख में और आंख के काली मुंह में ओठ पे, सोचो कैसा लग रहा होगा श्रृंगार, अद्भुत श्रृंगार, लाल लाल आंखें और काली काली ओठ, काला काला, और टिकुली यहां लगाना था यहां लगा लिया कपोल में, और सुनो पग में पहुंची कर में पानी कान बुलाक लगाए, कर में पहुंची पग में, पग में पहुंची कर में पायल कान बुलाक लगाए, नाक वाला कान में, कान वाला नाक में, पग में पहुंची कर में पायल कान बुलाक लगाई, पग में पहुंची कर में पायल नाक बुलाक लगाए, नयन महावर, नयन महावर पग में अंजन चिपुल कपोल चिपकाई, हा हा चिपुल कपोल चिपकाई, हो हो चिपुल कपोल चिपकाई, मधुबन में हम मधुबन में Oh, yeah.
शंकर जी दौड़े दौड़े महाराज में शामिल होने के लिए पहुंचे। पार्वती ने मना किया पर पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे, पार्वती जी मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ग्वार श्री भोले भंडारे, ग्वार श्री भोले भंडारे, बनकर ब्रज की नारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। और पार्वती ने कहा कि महाराज कोई पुरुष वहां जा नहीं सकते, वहां तो केवल महिलाओं की एंट्री है, वहां तो केवल गोपियां जा सकती है। बोले तुम जा रही हो? बोले मैं गोपी बन के जाऊंगी, पार्वती बन के नहीं। तो मुझे भी गोपी बना दो ना, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा क्या बिगड़ता है। बोले कपड़े? बोले तुम्हारे ही कपड़े पहना दो। पार्वती ने कहा ठीक है। पार्वती ने श्रृंगार किया भोलेनाथ का, सजाया बढ़िया से, पूछी कि वहां लोग पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। बोला मेरी सहेली है। बोले नाम? बोले बोला त्रिलोचना। त्रिलोचना? बोले गोपेश्वर महादेव की जय। भगवान गोपेश्वर महादेव गोपी बन करके ब्रज में आए। नारद जी भी आए, वो भी गोपी बने। अब एक और बात थी कि इसमें कामदेव स्वयं आए। आज कामदेव को मौका मिला क्योंकि उसने सुना कि भगवान भोलेनाथ आज महाराष्ट्र में जा रहे हैं, तो भोलेनाथ से थोड़ी उनको रहती है, क्योंकि एक बार जो चोट खा लेता है ना उसके प्रति थोड़ा सजग रहता ही है, मौका खोजता ही था। भोलेनाथ ने मुझे बिना शरीर का बना दिया, आज मैं देखता हूं कि आज वो क्या करते। आज तो मैं उनको परास्त करके छोड़ूंगा, और इनके क्या, इनके जो भगवान है ना श्री कृष्ण, उनको भी देख लेंगे आज। कामदेव आया कि मोहन को आज मोहित करेंगे। जैसे यह सोच करके आया और कामदेव ने जो भगवान की झांकी देखी, भगवान का स्वरूप देखकर वो अचंभित हो गया। आज अलौकिक छटा भगवान की देखी, और मदन जो कामदेव था आज मोहित हो गया खुद, और भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। इसलिए बोलो मदन मोहन भगवान की जय हो। आयो मदन गर्व कर मन में हरि पर करो चढ़ाई, आयो मदन गर्व कर मन में हरि पर करो चढ़ाई, मोहित मूर्छित स्वयं मदन मोहन उपाधि हर पाई, मोहन उपाधि हर पाए, मोहन उपाधि हर पाए। मधुबन में है भक्तमाली परम पूज्य श्री नारायण दास जी, भक्तमाली मामा जी कहते थे उनको, उनका ये पद है। तो गोपियों को तो भगवान ऐसे मिले, हम लोगों को भगवान कैसे मिलेंगे, वो अंतिम पंक्ति में बड़ा सुंदर भाव से लिखते हैं।
नारायण प्रभु नर की लीला भव सिंधु से तु है गाई। नारायण प्रभु नर लीला भव सिंधु से तु है गाई। भगवान की जो लीला है भव सागर की तरवा माटे सेतु छे, नाव पुल है, भवसागर को पार करने के लिए सेतु है। नारायण प्रभु नर लीला भव सिंधु सेतु है गाई। नारायण प्रभु नर लीला भव सिंधु सेतु है गाई। गावत सुनत सुनत प्रभु गुण गन, गावत सुनत सुनत प्रभु गुण गन, सहज ही मिले कन्हाई। हा हा सहज ही मिले कन्हाई, हो सहज ही मिले कन्हाई। मधुबन में धूम मचाई हो पुरलिया रे, हो मधुबन में धूम मचाई हो पुरलिया रे, मधुबन में धूम मचाई हो पुरलिया रे, पुरलिया हर की, पुरलिया हर की, पुरलिया हर की, पुरलिया हर की। भक्त वत्सल भगवान की, गोपियां पधारी, भगवान ने कहा आओ गोपियों आपका स्वागत है। स्वागतम हो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह, आइए आपका क्या प्रिय करूं। सो गोपियों को बड़ा अजीब लगा, अपने आदमी जब रोज तू तू कहने वाला व्यक्ति जब हाथ जोड़कर स्वागत है ऐसा कहे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि नहीं। मतलब जो रोज प्यार में डांट डांट के कहता हो आज अचानक इतना सम्मान दे, गोपियों को बड़ा अजीब लगा। गोपियों ने कहा ऐसा मत करो मोहन, कम से कम हम जिस लायक हैं उस लायक तो रहने दो, हमें मित्र बनाया तो मित्र रहने दो, हम तुम्हारी डांट के फटकार के लायक हैं, हमको उसी योग्य रहने दो। भगवान ने कहा रजन नेशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रत्याय ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। इस समय घोर रात्रि में आपको तो घर में होना चाहिए, फिर यहां क्यों आई, जाइए। गोपियों ने कहा अच्छा तो इसलिए स्वागत कर रहे थे, मतलब डांटने का एक बहाना बनाया, ये भी तरीका है, पहले सम्मान देना फिर डांटना फटकारना। देखो डांटो लेकिन दूर ना करो, चलेगा जितना डांटना है डांट लो लेकिन अलग नहीं करना। पहले तो बांसुरी बजा के बुलाते हो और फिर कहते हो कि घर में रहना चाहिए। गोपियों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहे, गोविंद हमने सुना है कि तुम्हारा एक नियम है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तुम्हारा संकल्प है और श्रुति कहती है, क्या कहती मालूम है, न स पुनरावर्तते इति इत्यादि श्रुत्या तस्य नित्यत्वावधारणात्। न स पुनरावर्तते, तुम्हारे पास आने के बाद कोई लौटता नहीं ऐसा वेद कहता है। यदि तुम कहो कि वेद असत्य छे, वेद झूठा है, तब हम चले जाएंगे। तुम कह सकते हो कभी, बोले ना वेद तो सत्य कहे छे। यदि वेद सत्य है तो फिर अपना वचन सत्य करो कृष्ण। भगवान गदगद हो गए, भगवान के वचनों से भगवान को बांध दिया। भगवान ने कहा कहो गोपी क्या करूं, बोले मुझे महाराज रमवाओ। महाराज शब्द जो बना है संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से लास्य शब्द है, हृदय में उल्लास होता है ना, मन में कुछ चीज को देखकर हृदय में क्या होता है, लास्य।
तो पहले लाश से था, उल्लास था अंदर में, जब वो बाहर आया तो रलयोर अभेदा वो रास बन गया। बाहर आया तो क्या बना? एक भक्त ने कहा, महाराज आपको खबर है? बोले क्या? बोले रास तो यहाँ ही रहा बाहर आया तो, लेकिन जब ये विदेश गया तो डलयोर अभेदा, वहाँ ल के अदरब ड हो गया तो डांस बन गया। यही हृदय अंदर में था तो क्या था? ये रास। बाहर आया हृदय में था लास उल्लास, बाहर आया तो क्या बना? रास। और विदेश गया तो क्या बना? डांस। एक ही है, चाहे कुछ भी कहो, अंदर से यह एक है। यानी उल्लास ही बाहर प्रकट होकर के रास बनता है। भगवान ने कहा ठीक है, ये रास तीन प्रकार से होता है। एक तो एक एक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण हुए, एक प्रकार था। दूसरा प्रकार था कि दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण हुए। और तीसरा प्रकार था चारों तरफ से गोपी ही गोपी, बीच में श्री राधा और कृष्ण। इस प्रकार से तीन विधा से महारास आरंभ होता है। एक एक गोपी एक एक कान्हा, एक एक गोपी एक एक कान्हा, रास रमे छे भगवान, हो रास रमे छे भगवान, गोपियो घेली बने रास रमे छे भगवान, गोपियो गेले बने कृष्ण रमाड़े छे रास, गोपियो घेली बने। मुग्ध थई गया, मुग्ध हो गई गोपियां, घेली मतलब मुग्ध। दो दो गोपी बीच बीच कान्हा, दो दो गोपियों के बीच में, दो दो गोपी बीच बीच कान्हा, नाचे छे दई दई तार, गोपियों घेरी बनी नाचे छे दे देता, गोपियो घेनी बनी कृष्ण रमावे छे रास, गोपियो घेली बनी। बड़ा सुंदर महारास का शुभारंभ होता है। आज चंद्रमा 16 कलाओं से संपन्न होकर आकाश में चढ़ा हुआ है, बड़ा अद्भुत नजारा है। शरद पूनम ने रात्रि और चांदो चढ़ियो आकाश, चंद्रमा आकाश में तना हुआ है, बड़ा अद्भुत दृश्य है। ए बाबा याने बादल ओ मट्याज, बादाने बाबा याने बादल ओ मट्याज, बाबा याने बादल ओ मट्याज, गोकुल मटौ क्या मोर रामवा, आवो सुंदर बरसावरिया, गोकुल मटौ क्या मोर रामवा, आवो सुंदर बरसावरिया।
गरबा बहुत आसान काम है, हिंदी भाषी लोग परेशान ना हो, सब शामिल हो जाओ, बहुत आसान है, केवल ताली बजाना है, बस ताली का ध्यान रखो और आनंद लो। बाबा या ने बादल हो मक्का, 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 गोकुल माटो क्या मोर रमवा सुंदर बरसा, गोकुल माटो क्या मोर मरवा आबो सुंदर बरसा, वाया ने बादल वाया ने बादल हो मक्या, बहुत सुंदर। तमे मरवाने आग्यो सामाते, तमे मरवाने नागो सामाते, तमे मरवाते नागो सामाते, तमे मरवाने नागो सामाते, सुंदर बरसा, नहीं आवो तो नंद जी यार मरवा आवो सुंदर बरसा। के बीच में भगवान की झांकी आ गई है, तो भगवान को आप लोग बीच में कर ले, भगवान के साथ में महाराज का कर ले, बोले राजेश शर्मा। भगवान की जय, बाबा याने बादल हो मचा, बाबा याने बादल हो मचा, ये गोकुल माटो क्या मोर मड़वा सुंदर बरसा मारिया, श्यामारिया।
फिल आया हो पान चारा मियाला मथुरा फिल रमवा आवो सुंदीर बरसामारिया भोलीदास बिहारी भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे कैलाश बा ठाकुर जी का पूजन करें बाद में अभी विवाह का समय थोड़ी हो रहा है हाँ भगवान अभी चले जाएंगे ठाकुर जी को विदा करें बहुत सुंदर मोर के धुन में सब गोपियां खूब आनंद किया गोकुल में टोकिया मोर सब लोग उन्होंने रास रचाया गोकुल गामनी ग्वावली मथुरा वाटे जाव छु बचमा जमुना जी भरपूर हे बचमा जमुना जी भरपूर माथे भार लागे छे बचमा जमुना जी भरपूर माथे भाल लागे छे गोकुल गामनी गोवाली हूँ मथुरा बाटे जाव छो गोकुल गामनी गोवाली हूँ मथुरा बाटे जाव बचमा जमुना जी भरपूर माथे भार लागे छे बीच में जमुना जी भरपूर माथे भाल लागे छे आभे चमके बिजली ने बादलियों घनघोर आभे चमके बी आभे आकाश में बादलियों घनघोर अमना टूटी पड़ से आप माथे भार लागे अमने टूटी पड़ से आप ऐसा लग रहा है आकाश गिर जाएगा लागे छे सासू जी हठीली मारी ननदल में ना बोल से सासू जी हठीली मारी ननदल में ना बोल से नानो देवर देसे गर माथे भार लागे से
नानो देवर से गान मारो भाल लागे छे गोपियों को आनंद तो आया, परंतु इस आनंद में एक विघ्न आ गया। विघ्न क्या आया कि गोपियों के मन में थोड़ा गर्व थे गया। गर्व इतना होता, मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं, तब तो चलता, लेकिन ये थोड़ा अभिमान वाला गर्व था कि देखो आज भगवान जो तीन लोक का धनी है वो आज मेरी सुंदरता पर मुग्ध है और आज मेरे इशारे पर मेरे बाहों में मेरे अंग संग झूमते हैं, आज मेरे अधीन हो गए। जिस क्षण आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ हूँ, तभी अपने होने का जब एहसास होता है साधक को, तो ये दूरियाँ बनाता है, तभी द्वैत होता है। प्रेम में तो विशुद्ध अद्वैत ही होता है। प्रेम का मार्ग अद्वैत का मार्ग है। हाँ, ये जो मार्ग है साधो, भक्ति का मार्ग जीना, और कहा है कि ये जो मार्ग है ना, प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाए, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना। जब तक मैं का एहसास होगा तब तक भगवान नहीं। अब जिस दिन भगवान हो जाएंगे तो अपनी सत्ता भूल जाएंगे। जो मैं अपनी छवि बनाए के, जो मैं गई पीयू के पास, जो छवि देखी पीय के अपनी भूल गई। आपको पाता हूँ मैं तब, आपको पाता हूँ मैं तब, आपको पाता नहीं, आपको पाता हूँ तब, आपको पाता नहीं, और जब आपको पाता हूँ तब आपको पाता नहीं। या तो खो जाता हूँ मैं, या खो दिया जाता हूँ मैं। खुशरो दरिया प्रेम का उल्टिया की धार, जो निकला सो डूबया, जो डूबा हुआ पार। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। हाँ, मेरा राम मुझ में बसा, राम मुझ में, अब राम मैं हूं, न एक है न दो है, सदा तू है, सदा तू है, सदा तू। इसलिए गोपियों को ये अभिमान आया, अभिमान आते ही द्वैत हुआ। फिर क्या था, भगवान अंतर्धान हो गए। तासाम तत् सौ भगमदं वीक्ष मानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। दो कारण था, एक तो अभिमान दूर करना है और भक्तों के मन में भक्ति दृढ़ करना है, इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो। फिर क्या था, अंतरहिते भगवती सहसै व्रजांगणाः अतप्यस्तमचक्षाणाः करिणी इव यूथपम। जैसे हथिनी व्याकुल हो जाती, वैसे सब गोपियां प्रभु के बिना व्याकुल हो गई। भगवान श्री किशोरी जी को साथ में लेकर आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद अब
श्री राधा रानी के भी मन में एक बात आई, देखो प्रभु हमें नहीं छोड़ सकते, सबको छोड़ दिया लेकिन प्रभु ने हमें साथ कर लिया, साथ नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि प्रभु हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये अभिमान भी ठीक नहीं है साहब। चलो एक बार मान लेता हूं ठीक है, परंतु ऐसा अभिमान करने पर आपको क्रोध भी आएगा, ऐसा अभिमान करने पर आप थकेंगे भी, जो क्योंकि आप अभिमान करके भगवान से अलग होने का एहसास कर रहे हैं। भगवान से अलग जो कुछ भी है वह नश्वर है, वह मिथ्या है, वह विकार युक्त है, षड्भाव विकार से युक्त है। जहां अपने को भगवान से अलग समझे, दो ही पदार्थ है, सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, माया और ब्रह्म, दो ही पदार्थ है। ब्रह्म से अपने को जहां अलग किया तो इसमें हम क्या हो गए, माया हो गए। जगदीश से हम यदि अलग किए अपने को तो हम क्या हो गए, जगत हो गए। और जगत तो जड़ है, हम में जड़ता आएगी। हम भगवान से अलग हुए, अपरिछिन्न से परिछिन्न हुए, परिछिन्न हुए तो षड्भाव विकार तो होगा ना। अब शरीर का जो जो भाव है, थकना हारना काम क्रोध लोभ मोह भूख प्यास, सब कुछ होगा क्योंकि अपने को हमने अलग मान लिया। अलग होते ही दुख शुरू हो जाएगा। हमको क्या आपको क्या, श्री राधा रानी के मन में भी आज जो ही ये भावना आई, सो राधा रानी थकान महसूस करने लगी, थक गए। वो कहने लगी, न पार ये हम चल तुम नया, न पार ये हम चल तुम नयमाम यत्र ते मनः, हे केशव अब मैं चल नहीं सकती, तुम्हें यदि कहीं और लेकर जाने का विचार हो तो चलो ले चलो, लेकिन मैं अब अपने हमारी हिम्मत नहीं रही चलने की, मैं थक गई हूं। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो कंधे आरोहियतामिति, आप मेरे कंधे पर आ जाइए, मैं आपको लेकर चलूंगा। राधा रानी को लगा कि देखो प्रभु मुझे कंधे पर बिठाएंगे। बैठना ज्यों ही चाहा, भगवान अंतर्धान थे गया। क्या राधा रानी भगवान का वियोग नहीं सह पाई, किशोरी जी बेहोश हो गई, मूर्छित होकर गिर पड़ी। पीछे से सखियां खोजते खोजते आ रही थी, देखा राधा रानी को व्याकुल दशा में, श्री राधे श्री राधे करती रही। यमुना जी का जल लाया, अपने कपड़े में भिगोकर छिड़का राधा रानी के ऊपर। राधा रानी होश में आती है और कहती है, हे नाथ रावण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हे नाथ हे रमन हे प्रेष्ठ हे लंबी भुजाओं वाले, कहाँ हो कहाँ चले गए, मुझे अपना सन्निधि प्रदान, सानिध्य देकर कृतार्थ करिए भगवान। गोपियां तन मनस्का तदलापस तद विचेष्टस तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गारिणी सस्मरो। किसी को अपना घर और अपना तन का भान नहीं है, न आत्मा अपने शरीर के बारे में, न आगार घर के बारे में भी नहीं सोच रही है। किसके बारे में सोच रही है, गोविंद के बारे में सोच रही है। तन मनस्का, गोपियां अपने मन को भगवान में अर्पित किया है। तदालापस उनके बारे में ही वार्ता कर रही है, उनके लिए ही चेष्टा कर रही है। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, कालिंदी के यमुना जी के पुलिन में तट पे आकर के
कृष्ण के भावना से भावित होकर गोपियां एक दूसरे से श्री कृष्ण की चर्चा कर रही हैं। और जो चर्चा किया है, जो रोई है गोपियां, उस रुदन को वेद व्यास जी स्वर में और छंद में बद्ध करके लिखे हैं, उसी का नाम है गोपी गीत। आप सबके मोबाइल में भी, एंड्रॉयड मोबाइल में गोपी गीत आप लिखें और तुरंत गूगल में आ जाए और आप सब पीछे से गोपी गीत का गान कर सकते हैं। जयति ते धिकम जन्मना ब्रज तेरा शाश्वत जयति ते धिकम जन्म ना ब्रज। आपके ब्रज में जन्म लेने मात्र से ब्रज की जय जयकार हो रही है, ब्रज की महिमा बढ़ गई है। शरद उदास है साधु जात से, शरयत इंदिरा सस्वदत्र ही। इंदिरा यानी लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा यहाँ निवास करने लगी। आज हर घर में दूध दही का भंडार हो गया है, किसी के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। खूब लुटाते हैं, खूब आनंद बरसाते हैं ब्रज में लोग। ब्रज की क्या महिमा है, आज भी ब्रज में खाने पीने की कमी नहीं है। आप परिक्रमा के लिए जाओ तो आपको भोजन मुफ्त मिलता है, कहीं भी आपको भिक्षा मिल जाएगी, माखन रोटी कहीं भी मिल जाती है। शरद उदास है ये, और ये भी कहा गोपियों ने कि हम सब तो आपके निःशुल्क अशुल्क दासियां हैं, हमने कभी शुल्क नहीं लेना है आपसे, हमें सखे दर्शन दीजिए। विष जला पिया प्याल राक्षसा, विष जला पिया प्याल राक्षसा, परुष मारुता वैद्यतानुरा, विष जया खदा विष दो भया विष भते भया हो। प्रभु आप हमसे प्रेम तो करते हैं लेकिन छुपाते हैं, यदि प्रेम नहीं करते तो आप हमें क्यों बचाते? इंद्र के उस प्रवर्षण से क्यों बचाया? कालिंदी के उस विषैले जल से क्यों बचाया? काले नाग से हमारी रक्षा क्यों किया? इसलिए आप हमसे प्रेम तो करते हैं
लेकिन आप हमें दर्शाते नहीं, इसलिए आप ध्यान दीजिए हमारी तरफ और हम तो आपकी किंकरी है, बिना मोल की दासी है। केवल दर्शन ही हमें मोल चाहिए, केवल दर्शन यही मूल्य चाहिए और कुछ मान नहीं। तब कथामृतम तप्तु जीवनम, तब कथामृतम तप्तु जीवनम, कवि भेरेतम कल्म शापहम, कवि भेरेतम कल्म शापहम। आपकी जो कथा है ना, ये अमृत है, ये मरने नहीं देती है। कवियों ने कहा है इसको सुनने से सारे पाप मिट जाते हैं। हमारे भी कोई पाप होंगे तभी तो आप अभी तक दर्शन नहीं दे रहे। मैं आपकी कथा सुनूंगी, मेरे पाप जिस दिन नष्ट हो जाएंगे तब तो आप दर्शन देंगे ना, मैं तब तक आपकी कथा सुनेंगी। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवगणन्ते भूर्दाजना, भुवगणन्ते भूर्दाजना, प्रसितं प्रिय प्रेम वृक्षणम्, संप्रिय प्रेम वृक्षणम्, विहरणं च ते ध्यान मंगलम्, विहरणं च ते ध्यान मंगलम्। हे नारायण, सुनने में भी आनंद, और एक बात यह है जो कथा सुनाते हैं वो तो बड़े सबसे बड़े दानी हैं, जो कथाओं का दान कराते हैं। भूवि गृणन्ते भूरि दा जना, भूरिं ददाति इति भूरि दा, भूरि मतलब बहुत देने वाला, सबसे बड़ा दान है। हे केशव, मुझे और तो कोई चिंता नहीं है अपनी, लेकिन हमें आपकी चिंता है कि आप उस सुकोमल चरण को लेकर, अपने नंगे पाँव को लेकर अर्धरात्रि में कंटकों में कंकड़ियों में जा रहे हैं, जिस चरण कमल को हम अपने कठोर वक्ष पर नहीं पधराते थे कि हमारे वक्ष से कहीं आपको पैरों में चोट न लग जाए, ऐसे सुकोमल चरण को लेकर आप कंकड़ों में जाते, पत्थरों में जाते, कहीं एक कांटा चुभ गया आपके उस चरण कमल में तो हम तो सुन के भी बेहोश हो जाएंगे। भगवान को लगा कि इन्हें अपनी चिंता नहीं है, तो हमारी चिंता में मग्न है, और कह करके गोपियां सबके बीच में रोने लगी। इति गोप्यः प्रयगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। स्वर में गोपियां रोने लगी, रोना तो रोना होता है लेकिन स्वर में रोना अलग होता है। माताएं अक्सर रोती है, कई कई रोने की अलग अलग विधा है, कई तो जंघा को ठोक ठोक करके रोते हैं, कई माथा ठोक ठोक कर भी रोने की प्रथा है। आपके यहाँ कैसी होगी मैं तो अभी अनुभव नहीं किया। अच्छा, अक्सर रोने की जो है आप देख सकते, जब किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए तब उस महिलाओं का रोना देखना, मैं देखता हूँ कि रोती तो कम है गाती ज्यादा है। सही बात है, सही बात है। ऐसे ही मैं गया तो एक माई आकर मुझसे लिपट गई और वो
गाने लगी। मैंने कहा गाती है तो रोती है, समझ में नहीं आ रहा। अब पूरा पूरा बोले। उसके पतिदेव की मृत्यु हो गई थी माता जी की, तो पूरा पूरा मैं कहा अच्छा बढ़िया बोल रही है, रोती है, इनके आंख में आंसू तो है ही नहीं। पंजाब के लोग यहाँ आए हैं, पंजाब की प्रथा बताऊं आपको। पंजाब में अब आपके यहाँ है कि नहीं, पंजाब में भी तो भाई पूरा बहुत बड़ा पंजाब है, तो वह कोई मर जाए तो वहाँ जाती महिलाएं जंघा को ठोक ठोक करके रोती, ऐसे करती रोती रोती और जोर से मारती इधर, ये क्या हो गया ऐसा करके। तो किसी के घर में नई नई दुल्हन आई थी बहू, तो पड़ोस में ही कोई मर गया तो वहाँ वो भी चली गई सबके साथ में रोने के लिए, और वहाँ सब सबके साथ में ये भी जंगा ठोक ठोक करके रोए, बार बार में ये जंगा ठोक ठोक के रोए। परिणाम जब वो घर आई तो बेहोश हो गई। होश किया क्या हुआ, देखा तो जंगा उसका पूरा लाल लाल, बेचारी सूजन हो गया जंगे में। लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों हालत कर दिया अपनी, बोले सब वहाँ जंगा ठोक ठोक के रो रहे थी तो हमको लगा कि ठोकना चाहिए, हम भी जंगा पीट पीट कर रोते रहे। बोले पगली सब तो झूठ मूठ कर ठोकती, ऐसा जोर से हाथ उठाती और धीरे से रखती इधर ताकि जंगे में पता ना चले, जोर से उठाती और धीरे से रखती। बोले मुझे क्या पता ऐसा भी होता है, गुजरात में इत कर इतना जोर से हाथ करेगी और धीरे से छाती मारेगी। अच्छा हाथ पे हाथ मारती है, एक तो से सताए रखती है दूसरे से हाथ पे हाथ मारती है, वाह बहुत बढ़िया है। हाँ आवाज भी जोर से होती है, लोग लगता कितने जोर से मार रही है। एक जगह तो हम गए समस्तीपुर की बात है, तो माई बेचारे के पतिदेव गुजर गए तो रो रही थी, तो चारों तरफ से माताएं घेरी उसको, एक ने उसके गले में हाथ दिया, वो समझ गए कि चैन खींचने वाला है कोई, झट से उसने हाथ झटका मारा, कोई नहीं कुछ नहीं हुआ, मतलब उसमें भी अपना काम पूरा कर लेती है कोई। लेकिन हमारे गोपियां ऐसी नहीं है, गोपियां जब रोती है तो स्वर में रोती है, भगवान प्रकट थे गया सबके बीच में, भगवान प्रकट हुए और दर्शन दिया, गोपियां कृतकृत्य हो गई है। फिर से महाराज हुआ और गोपियों ने पूछा है कि भगवान आप कैसे प्रेम किस तरह से करते हैं,